हमें न्याय चाहिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। फ्री क्यों कर दिए? जब फ्री है नहीं तो हमें तो मिलता नहीं, तो हम क्या जाने की जो फ्री मिल रहा हमें। आज तो जो ये काले कानून पे वो मतलब एक जो अध्यादेश लाया गया है, हम उसके इसमें आए जी कि अध्यादेश को हम खत्म करके जाएंगे। बिल्कुल 2024 में हमारे साथ सारी पार्टियां होंगी। पहले हमारी पार्टी छोटी थी, बच्चा थी, इसीलिए जो एक साथ छूट गया था। अब राजनीति में तो हमारे केजरीवाल एकदम मजे हुए हैं, तो इसीलिए अब हमारी सारी पार्टी हमारे साथ रहेगी और 2024 में दिल्ली का सातों सीट हमारे पास होगा। हमारी जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है वो कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। इन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर अपना राज करना चाहते हैं, ये बेईमान लोग हैं। आज यहाँ पर जनशक्ति का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अध्यादेश को लेकर के तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं कि अध्यादेश जो बीजेपी ने लागू किया है उसको वापस कर दिया जाए। अब ऐसे में मैं लगातार यही बात कह रही हूँ कि 12 साल बाद एक बार फिर से केजरीवाल यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक 12 साल पहले भी यहाँ पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, अगर जंग कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ महिलाएं हैं वो अपनी बात रखना चाहती हैं। सबसे पहले जानते क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ, मैं बेगमपुर 8-27 से बात कर रही हूँ। वहाँ से मेरे पानी गंदा आ रहा है एक तो, और बस एक भी नहीं रुक रही, 10-10 बजे रात तक हम लोग ड्यूटी करके आके खड़े रहते हैं। केजरीवाल जी बोलते हैं हम फ्री कर रखे हैं लेडीजों को, आई 10 बस निकल जाएगी तो एक कोई रुक जाता है। लगातार तो बस को लेकर के एक्शन भी लिया गया है केजरीवाल की तरफ से, तो एक केजरीवाल जी या तो अपना एक्शन उठाए या तो बस के टिकट लेडीजों को कर दे कि जहाँ भाई लेडीजों को टिकट लगेगा, या तो हम टाइम से अपने काम धंधे पर पहुँचे। अरे बस के चक्कर में हम लोग 10 रुपये के चक्कर में पूरा दिन का ड्यूटी चला जाता है, वो केजरीवाल जी भरेंगे दिहाड़ी। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो अपना हम बेगमपुर वार्ड से आए हैं, यह सुविधा करें, बस टर्मिनल बनाए और बस रुके, कृपया और पानी सफा मिले। तो आप यहाँ पर ये समस्या लेकर जी यही समस्या लेकर आई? क्या क्या समस्या? और ये पानी की समस्या है और दूसरे बस की समस्या है, और रात में बेटी बहन को निकलने में दिक्कत हो रहा है। पानी की समस्या क्या क्या? गंदा पानी आ रहा, 2 घंटा पानी देते हैं उसमें 1 घंटा तक गंदे पानी निकल रहा, पानी पूरा पीने को मिल नहीं रहा, और 10 में से घर में से 5 बीमार रहते हैं, और अस्पताल जाओ वहाँ दवा नहीं मिल रहा, सारे दवा बाहर के निकल रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम पानी दे दिए, दवा दे दिए, बस फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिया, 1800 रुपये का बिल आ रहा, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, मगर हमें न्याय चाहिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो अध्यादेश की मांग को लेकर के केजरीवाल मौजूद हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको अभी सरकार की तरफ से तमाम चीज़ों पर हक नहीं दिए गए। तो उनकी हक नहीं है तो फिर क्यों कहते हैं कि जो फ्री कर दिए हैं, ये अपने शब्द वापिस ले, फ्री क्यों कर दिए? जब फ्री है नहीं तो हमें तो मिलता नहीं, तो हम क्या जाने कि जो फ्री मिल रहा हमें, हम तो अपने पैसे लगा के बस में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, और बिजली का बिल 2-2 हज़ार भर रहे हैं, तो किस चीज़ का फ्री है? कुछ फ्री नहीं, कुछ सुविधा नहीं, यही कहना चाहती हूँ उनके तक पहुँचा दो। सहमत है बच्चे? नहीं जी, हम तो सहमत नहीं। वो तो कह रही उनको ना बिजली सही मिली ना पानी सही मिला, और हमें तो 200 यूनिट अभी तक फ्री मिल रहा जी, एक बार बीच में बंद हुआ था 1 मंथ के लिए, फिर वापस जो है हमारे मोबाइल पे एक SMS आया था कि इसमें जो है आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और वापस 200 की सब्सिडी चालू हो गई। आज के समर्थन के लिए आए? आज तो जो ये काले कानून पे वो मतलब एक जो अध्यादेश लाया गया है, हम उसके इसमें आए जी कि अध्यादेश को हम ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि जब केजरीवाल जी को पावर नहीं है तो इतनी फैसिलिटी दे रखे है, और जब वो पावर में आएगी सरकार, उनको एक पोस्टिंग पावर मिल जाएगा, तो फिर कितनी फैसिलिटी देंगे ये आप भी उम्मीद कर सकते हैं। लगता है अगर अध्यादेश पारित नहीं होगा तो और फैसिलिटीज़ दे सकते हैं? बिल्कुल, अभी तो दिल्ली और पंजाब में ये फैसिलिटी है, अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में रहेगा। विपक्ष दल ने काफ़ी तरीके से यहाँ पर मजबूती दिखाई है, खड़ा हुआ है पक्ष में, क्या लगता है 2024 में भी बदल सकती तस्वीर? बिल्कुल, 2024 में हमारे साथ सारी पार्टियाँ होंगी। पहले हमारी पार्टी छोटी थी, बच्चा थी, इसीलिए जो एक साथ छूट गया था। अब राजनीति में तो हमारे केजरीवाल एकदम मजे हुए हैं, तो इसीलिए अब हमारी सारी पार्टी हमारे साथ रहेगी और 2024 में दिल्ली का सातों सीट हमारे पास होगा। दरअसल ऐसा है कि ये जो अध्यादेश तो बहाना है, तानाशाही सरकार जो चल रही, जो इनके महाराजा बैठे हैं दो, रंगा और बिल्ला जिसका नाम बोलते हैं, दरअसल ये चाहते हैं कि इस देश के सारे अधिकार, सारा संविधान छीन लिया जाए, जनता के हाथ में कुछ ना रहे, जनता के हाथ में कटोरा, जैसे ये कहते हैं कि पढ़ो लिखो और पकौड़ा तलो। ये हमारी और हमारी जो सरकार है, जो हमारे CM साहब केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, उनके काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारी जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है
वो कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। इन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर अपना राज करना चाहते हैं, ये बेईमान लोग हैं। अब हमारे सीएम साहब ने एक टेलर है। बेसिकली यहाँ पर मौजूद अध्यादेश तो एक बहाना है, लेकिन तानाशाही सरकार को जी हाँ हम नहीं अध्यादेश तो है गलत, अध्यादेश के ही खिलाफ ये हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी आम आदमी पार्टी जनता के लिए लड़ रही है। जो संविधान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी छोड़ के गए हैं उसके खिलाफ ही, उसको ख़त्म करना चाहते हैं हम, उसको लागू करवाना चाहते हैं जो होना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, अध्यादेश का मतलब ये है, ऐसे नहीं कि हमारे हाथ से पावर चली गई, पावर का इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि जो हमारे जो दिल्ली की जनता ने जो हमें चुन के यहाँ बैठाया है तो इनसे ये बौखला गए हैं। देखिए ये लोगों की समस्याएं थी, कुछ ने तो समस्याएं बताई कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, और कुछ ने बताया कि सरकार काम अच्छा कर रही है और तानाशाही सरकार को हमें हटाना है, यानी कि बीजेपी की बात हो रही थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।